सो फ्रेंड, एनडीटीवी न्यूज चैनल को तो हम सभी जानते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया न्यूज चैनल है, इंडिया में जाने माने न्यूज चैनल है एनडीटीवी। तो एनडीटीवी को खरीद लिया अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी ने। आज का वीडियो में हम यही कवर करेंगे, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी कैसे खरीद लिया। सभी बोलते हैं कि धोखे से खरीद लिया, पर ये वीडियो देखने के बाद, ये वीडियो को समझने के बाद आप बोलोगे धोखे से नहीं खरीदा, बस दिमाग से खरीदा अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी ने। तो बिना किसी स्किप के वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखो, थोड़ा सा भी नॉलेज लगाना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। वैसे तो देखा जाए कि इंडिया में किसी भी कंपनी का खरीदा जाना या फिर बेचा जाना ये सब कॉमन बात हो गया, लेकिन इस मामले में मजे का बात ये है, शॉकिंग न्यूज ये है कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी ने जो एनडीटीवी का 29% शेयर खरीद लिया, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। ना तो एनडीटीवी का किसी भी इम्प्लॉय या फिर जर्नलिस्ट को मालूम था, ना तो एनडीटीवी का मैनेजमेंट को पता था, ना तो एनडीटीवी का को फाउंडर राधिका रॉय एंड प्रणोय रॉय को पता था। राधिका रॉय को और प्रणोय रॉय को उसी वक्त पता चला जबकि एनडीटीवी का शेयर ऑलरेडी बिक चुका था। 29% का हिस्सेदार या फिर 29% का मालिक अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी बन गया, उसके बाद उनको मालूम पड़ा। नहीं तो वो लोग कभी अडानी ग्रुप के पास शेयर नहीं बेचता था या फिर कंपनी का हिस्सेदारी नहीं देता था। बस क्या इसके पीछे साजिश है? हो सकता है, क्योंकि अडानी और हमारा पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी दोनों बहुत ही गहरी दोस्त थे। एक न्यूज चैनल का काम क्या होता है, किसी भी न्यूज चैनल का काम क्या होता है? सरकार को सवाल करना। और यहाँ पे सभी न्यूज चैनल क्या करता था? सरकार को सवाल नहीं करता था, सरकार के साथ रह के दूसरे विपक्ष पार्टी को सवाल करता था, हिंदू मुस्लिम का बारे में बताता था, दूसरा भतेरो न्यूज आता था, पर सरकार को कभी सवाल नहीं किया। एनडीटीवी ही ऐसा करता था, एनडीटीवी सरकार को हमेशा सवाल करता था, सरकार का ऑपोजिट में हमेशा जाता था। क्या इसीलिए एनडीटीवी को खरीद लिया गया? अडानी जी और नरेंद्र मोदी जी बहुत ही गहरा दोस्त थे। क्या मोदी जी ने अडानी को बोला कि अडानी भाई तू खरीद ले उसका शेयर को? अडानी ने तो ये भी बोला और भी 26% शेयर एनडीटीवी का खरीदने का प्रिपरेशन है उनका। तो अब हम जानेंगे आखिर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी ने कैसे एनडीटीवी का 29% शेयर खरीद लिया। सो फ्रेंड, ये जानने से पहले कि अडानी ने कैसे 29% शेयर खरीद लिया एनडीटीवी का, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में हमेशा आपके लिए लेके आता हूं। प्रणोय रॉय एंड राधिका रॉय जो कि एनडीटीवी का फाउंडर है, वो क्या किया था, 29% शेयर को 14-15 साल पहले बीसीपीएल के पास रखा था गिरवी। बीसीपीएल भी एक कंपनी है जो कि फंड देता है दूसरा कंपनी को, उनके पास गिरवी रख के पैसा लिया था, 29% शेयर को गिरवी रखा था। अभी हुआ क्या, अडानी बॉस तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, अडानी ने बीसीपीएल को ही खरीद लिया, बीसीपीएल का वो जो शेयर है 29% उसको नहीं खरीदा, बीसीपीएल को ही खरीद लिया। तो अभी उसी 29% शेयर अडानी को मिल गया और अडानी बन गया एनडीटीवी का 29% शेयर का मालिक, 29% हिस्सेदार का मालिक। सो फ्रेंड, हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे कि आपके पास है एक छोटा सा शॉप, आपने उस शॉप का कागजात एसबीआई में रखा गिरवी और लिया लोन। अभी मैं एसबीआई को खरीद लिया तो आपका शॉप में हिस्सेदारी किसका हो गया? मेरा। अभी कल का दिन में आप पैसा नहीं चुका पाते हो तो आपका जो शॉप है उसमें कब्जा कौन करेगा? मैं, ना कि एसबीआई, क्योंकि एसबीआई को तो मैंने खरीद लिया। तो ऐसा ही अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी के साथ किया, सेम टू सेम प्रोसेस बॉस। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो में हमेशा लेके आता हूं आपके लिए, बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस।